दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख उसके जांबाजों और टेक्नीशियंस के कारनामों से भरी पड़ी है। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अनोखे मिशन के बारे में बताएंगे, जिसने ना सिर्फ पीएफ के जांबाजों की बहादुरी और शुजात की नई मिसाल कायम की, बल्कि ये मिशन पीएफ के टेक्नीशियंस और पायलट्स की तरफ से वसाइल की गैर मौजूदगी में दुश्मन को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुँचाने में अपनी मिसाल आप है। नाजरीन, 65 की जंग शुरू होने से पहले पीएफ की चकलाला एयरबेस के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन एरिक जी हॉल और विंग कमांडर जाहिद भट्ट खामोशी से C-130 कार्गो तैयारों को बॉम्बिंग मकासद के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे थे। ग्रुप कैप्टन एरिक जी हॉल ने जब कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल नूर खान को C-130 तैयारों में की जाने वाली तरामीम और इस मिशन के बारे में ब्रीफिंग दी, तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि पीएएफ के टेक्नीशियंस ने झूले की शक्ल के लकड़ी के बॉक्स या सांचे बना रखे हैं, जिन पर प्लान के मुताबिक बम रखे जाने थे, और इनको C-130 के कार्गो पोर्शन में रखकर जहाज को ड्रॉप जोन के ऊपर ले जाना था। और कार्गो कंपार्टमेंट में मौजूद क्रीव मेंबर्स ने 10 से 20,000 पाउंड वजनी बम गिराने थे। ताहम इस ब्रीफिंग के बाद कमांडिंग इन चीफ ने इस मंसूबे की अफादियत को जांचने के लिए ट्रायल्स या आजमाइश के अहकामात दिए। 9 और 10 सितंबर 1965 को सोनमियानी रेंज में ट्रायल्स किए गए, जिससे ये नतीजा अखज किया गया कि इस मिशन में ना सिर्फ जहाज को निचली सतह पर परवाज करना पड़ेगी, बल्कि कार्गो दरवाजे को पहले से ही खुला रखने की वजह से जहाज की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 280 किलोमीटर फी घंटा ही रखी जा सकती थी, जिससे इस बड़े साइज के कार्गो जहाज को ना सिर्फ ग्राउंड पर मौजूद दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन का खतरा था, बल्कि इसको दुश्मन के लड़ाका जहाजों से भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। इस खतरे को कार्गो पोर्शन के रैंप डोर को उतारकर किसी हद तक कम कर दिया गया, और इससे जहाज की रफ्तार को भी 518 किलोमीटर फी घंटा करने में मदद मिली। 11 सितंबर 1965 को C-130 के पायलट्स और क्रीव मेंबर्स को पठानकोट से 16 किलोमीटर दूर कठोआ पुल को निशाना बनाने के अहकामात जारी किए गए। ये पुल दुश्मन की पैदल फौज के दस्तों के लिए सप्लाई लाइन में खासी अहम थी, और इस मिशन की अहमियत और खतरात को मद्देनजर रखते हुए स्टेशन कमांडर एरिक जी हॉल और विंग कमांडर जाहिद भट्ट ने जाती तौर पर इस मिशन पर जाने का प्रोग्राम बनाया। दोस्तों, मिशन के मुताबिक 12 सितंबर की रात को तकरीबन 4 बजे C-130 के ये जांबाज पायलट्स दुश्मन के रडार से बचने के लिए जहाज को सिर्फ 2300 फुट की बुलंदी पर उड़ाते हुए कामयाबी से हदफ की तरफ ले गए। टारगेट से सिर्फ 40 सेकंड दूरी पर नेविगेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिजवान ने क्रीव मेंबर्स को बम गिराने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया, और अगले ही लम्हे 18,000 पाउंड वजनी बम C-130 के फर्श से जमीन की तरफ गिराए जा चुके थे। इसी असना में पायलट जाहिद भट्ट ने दुश्मन के लड़ाका जहाज को अपनी तरफ आते हुए देखा, ताहम वो इस पर खामोश रहे क्योंकि नेविगेटर पहले ही ग्रीन सिग्नल दे चुके थे। और यूं पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जांबाज पायलट्स तारीख के इस अनोखे ऑपरेशन में एक C-130 कार्गो जहाज के जरिए से दुश्मन की सप्लाई लाइन काटने में कामयाब हो गए। उस वक्त दुश्मन का लड़ाका जहाज C-130 के सामने से गुजर गया। जैसे ही बॉम्ब्स अपने हदफ पर गिरे, पठानकोट की तैयारा शिकन तोपें पूरे जोर से गोलियां बरसाने लगी। ताहम C-130 को उड़ाने वाले ये जांबाज अपना काम करके महफूज वापस लौटने में कामयाब रहे। अगले रोज ऑल इंडिया रेडियो पर यह चीखो पुकार जारी थी कि पाकिस्तान ने चाइना के 4 इंजनों पर मुश्तमिल बम्बार तैयारे इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान पर शदीद बम्बारी की है। पीएएफ के जांबाजों के इस अनोखे मिशन की कामयाबी पर C-130 कार्गो तैयारों को इसके अलावा 13 मजीद मिशंस में भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें से एक मिशन में रामगढ़ सियालकोट सेक्टर पर दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाया गया। और इसी तरह 15 सितंबर की रात को चविंडा के महाज पर 2 C-130 तैयारों ने एक ही परवाज में 18,000 पाउंड वजनी बम दुश्मन के फौजी दस्तों पर गिराए। इसके बाद 17 सितंबर की रात को फिर 2 C-130 तैयारों ने 3 मुख्तलिफ परवाजों में रामगढ़ के करीब दुश्मन की तोपों और टैंकों को निशाना बनाया। इसके अलावा 2 मजीद परवाजों में सियालकोट से 16 किलोमीटर दूर दुश्मन के असला और तेल के जखीरे को 9,000 पाउंड वजनी बमों से निशाना बनाया गया। इसी तरह जंग के इख्तितामी दिनों में 21 सितंबर 1965 को एक C-130 तैयारे ने 10 टन वजनी बमों से जल्लों से 4 मील की दूरी पर दुश्मन की हैवी आर्टिलरी गन्स को निशाना बनाया, जबकि एक दूसरी परवाज में BRB नहर के करीब C-130 तैयारों ने 30 टन वजनी बम भारतीय आर्टिलरी पर कमाल महारत और ठीक ठीक निशाने पर गिराए, कि जिससे भारतीय फौज ना सिर्फ बौखला
پھاٹ کا شکار ہو گئی بلکہ کچھ غیر جانبدار تجزیہ کاروں کے مطابق پی اے ایف کی یہ تباہ کن کاروائیاں بھارت کی طرف سے فائر بندی کے مطالبے کا باعث بنی۔ ویورز، حکومت پاکستان نے پی اے ایف کے اس ٹرانسپورٹ اسکواڈرن، جس کو سکس اسکواڈرن بھی کہا جاتا ہے، اس کے آفیسرز کو 7 ستارہ جرت اور 2 تمغہ جرت سے نوازا۔ دوستو، آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ پی اے ایف کے اسکواڈرن نے C-130 کارگو طیاروں سے 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے لیے 71 مختلف پروازوں سے 570 ٹن وزنی ایٹمی ساز و سامان چاغی کے مقام پر منتقل کیا تھا۔